चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आमागढ़ विवाद मामला सीएमआर पहुंचे निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा। 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हैं सीएमआर, राजाराम मील भी हैं साथ। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें और आपको बता दें, आमागढ़ विवाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, तो ऐसे में लगा था कि एक बार हो सकता है ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए, पर अब इसने सियासी बयानबाजी को पारा दे दिया है और ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सियासी बयानबाजी के चलते पूरा बयानबाजी का जो बाजार है वो गर्म नजर आ रहा है। विधायक रामकेश मीणा 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएमआर पहुंचे हैं, राजाराम मील भी उनके साथ हैं। और आज सुबह ही रामकेश मीणा ने बयान भी जारी किया था और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा था कि रोडी मीणा को रिहा किया जाए और साथ ही कहीं ना कहीं उनके जो तेवर हैं वो भी बदले हुए नजर आए। तो आमागढ़ विवाद मामले से जुड़ी ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा सीएमआर पहुंचे हैं और इसी खबर पर हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। देखिए, रामकेश मीणा की अगुवाई में अभी सीएमआर प्रतिनिधि मंडल मीणा समाज और सर्व समाज का पहुंचा है। इसमें जाट समाज के प्रतिनिधि भी हैं, गुर्जर समाज के प्रतिनिधि भी हैं, हिम्मत सिंह दीवान शेरगढ़ जाट महासभा के जो प्रतिनिधि हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें शुमार हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर मीणा समाज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी जो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं वो इस समय आरसी विलाइंस पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात का कार्यक्रम है। एक ज्ञापन तमाम प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए हैं। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि जो आमागढ़ के साथ ही जो आमेर में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, जो मीणा समाज की धरोहर है, और इन्हें आरएसएस के जरिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री से इन्होंने की है। इसके साथ ही एक चैनल के मालिक के खिलाफ भी आवाज बुलंद की गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ पर की गई है, जिन्होंने काफी विवादित बात अपने चैनल के जरिए कही थी। ये तमाम डिमांड्स हैं और अपनी धरोहर को बचाने की बात यहाँ पर ज्ञापन के जरिए की गई है। एक तरफ डॉक्टर किरणलाल मीणा ने आज सुबह आमागढ़ के किले पर ध्वज फहराया था मीणा समाज का, और उसके बाद आज जेरन मार्ग पे भी जाम लगा हुआ है। नरेश मीणा के समर्थक वहां पर जाम लगाए हुए हैं। और दूसरी ओर अभी थोड़ी देर पहले खबर जो सामने आई है कि डॉक्टर केवलाल मीणा को रिहा कर दिया गया है इंदिरागढ़ थाने से। और उधर रामकेश मीणा, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को गरमाया था, वो अब सीएमआर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री गहलोत से होगी और वो ज्ञापन सौंपेंगे सीएम को। जी बिल्कुल योगेश जी, एक चीज और आपसे जानना है, कितनी देर में ये मुलाकात होने वाली है, लगभग कितना समय और लगने वाला है इस मुलाकात में, और जो अहम मुद्दे जो इसमें रखे गए उन पे किस तरीके से हल निकाला जाएगा? देखिए, डेलीगेशन सीएम आवास पहुंच चुका है और अभी काफी बड़ी संख्या में मीणा समाज के जो लोग हैं और अन्य समाजों के लोग हैं वो जेएलएन मार्ग पर डटे हुए हैं, वहां पर रास्ता जाम किए हुए हैं। और उधर आप देख सकते हैं कि रामकेश मीणा और तमाम जो प्रमुख नेता है वो इस वक्त सीएमआर पहुंचे हुए हैं। डेलीगेशन जो है वो अपनी डिमांड मुख्यमंत्री के सामने रखेगा, सीएम इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। सबसे पहली मांग जो आज सुबह रामकेश मीणा ने की थी कि डॉक्टर किरणलाल मीणा को रिहा किया जाए, रामकेश मीणा ने आज सुबह एक अपना बयान जारी किया था और किरणलाल मीणा के समर्थन में आकर उनको रिहा करने की मांग की थी। वो मांग पूरी हो चुकी है, किरणलाल मीणा रिहा हो चुके हैं। और अब जो अन्य डिमांड्स है, जिस तरह का ज्ञापन है उस ज्ञापन के जरिए जो अन्य मांग है वो भी अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रामकृष्ण मीणा क्या कहते हैं वो जानकारी मिलेगी। जी योगेश जी, ये भी बताएं कि जिस तरीके से आंदोलन एक और जारी है, तो ऐसे में ज्ञापन सौंपने के बाद क्या ये आंदोलन थमेगा, क्या लगता है?
चलिए योगेश जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक और तो प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है जिसे हम कह सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएमआर पर ये 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विधायक रामकेश मीणा पहुंचे हैं। अहम मीटिंग ये से कह सकते हैं क्योंकि ज्ञापन भी सौंपा जाएगा अपनी मांगों को लेकर, तो वहीं अपनी जो मांगे हैं वो उनके समक्ष रखी जाएगी, तो इसे अहम मुलाकात के तौर पर हम देख सकते हैं। इस पूरे मसले से जुड़ी हुई ये अहम मुलाकात होगी, आमागढ़ विवाद मामले से जुड़ी हुई। तो वहीं सीएमआर पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा, 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ वो पहुंचे हैं, और सीएमआर में उनके साथ राजाराम मील भी हैं। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो मुलाकात होगी सीएम अशोक गहलोत से, जब वो मिलेंगे तो उसके बाद जो मांग पत्र जो उनका है, जो ज्ञापन जो है वो जब वो सौंपेंगे, तो उसके बाद इस पूरे मसले का क्या हल निकलकर सामने आता है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन जारी है लगातार अपनी मांगों को लेकर, समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, हम सुबह से ही देख रहे हैं कि जब ध्वज फहराया गया उसके बाद रामकेश मीणा ने जिन लोगों को जयपुर कूच करने के लिए कहा था वो जयपुर पहुंचे, और उसके बाद एक और जब किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी हुई, तो जहां ये बात भी सामने आ रही थी कि शायद आज का जो प्रदर्शन होगा वो उनके विरोध में होगा, पर ऐसे में तस्वीर बिल्कुल बदल गई और उसके बाद कहीं ना कहीं रामकेश मीणा खुद उनके समर्थन में नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, और उसके बाद अब उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि उनकी गिरफ्तारी निराधार है। तो ऐसे में बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ, और अब यहाँ पर ये दो अहम तस्वीरें इस पूरे मसले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, एक और किस तरीके से समाज के जो लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं सीएमआर से ये एक और अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, तो विधायक रामकेश मीणा 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएमआर पहुंचे हैं और उसकी एक अहम तस्वीर आप एक और देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी का दौर लगातार जारी है। महिलाओं की बात करें तो वो भी पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये है कि एक और जब कहा जा रहा था सुबह कि ध्वजा फहराने के बाद अब ये मामला ठंडा पड़ सकता है, पर अब तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अब जो है पूरे मामले का रुख बदला हुआ सा नजर आ रहा है, और साफ तौर पर सियासी बाजार जो है वो गर्म है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बेहद अहम ये दो तस्वीरें, और निश्चित तौर पे जो ये दूसरी तस्वीर है ये उस ज्ञापन की है, मांग पत्र की है, जो सीएम अशोक गहलोत को सौंपा जाएगा विधायक रामकेश मीणा और 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ से जो सीएमआर पहुंचे हैं इस ज्ञापन को देने के लिए। तो वहीं राजाराम मील भी उनके साथ हैं, आप देख सकते हैं ये ज्ञापन की तस्वीर जो उन्हें सौंपा जाएगा। अगला में हमारा मोमेंट खो गंग होगा। खो गंग में हम चाहेंगे एक वाक्य मंदिर रूप से कब्जा हटे, जमीन से कब्जा हटे, जो पुरानी विरासतें धरोहर हैं, छतरी है, और एक और उस समय के शासक किया करते थे कि हर दिवाली को पितृ तर्पण करते थे, वो तलाई पर भी कब्जा कर लिया, वो मुक्त हों, जिन्होंने तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, ये हमारा अगला मुद्दा है। और अभी जहां लोग इकट्ठे हैं, अभी जहां लोग इकट्ठे हैं उनको हम जाके संतुष्ट करेंगे, प्रयास करेंगे संतुष्ट करेंगे, ताकि आगे कोई, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया। अभी इतने सारे लोग जो हैं, इतने समर्थक आपके जयपुर में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं समर्थकों से यही कहना चाहूँगा कि देश में, राज्य में कानून का राज है, कानून को किसी भी स्थिति में हाथ में नहीं लें। ये गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से खूब आंदोलन करें, लेकिन
सामने वाली किसी जनता को परेशानी नहीं हो, कानून को हाथ में किसी स्थिति में नहीं लिया जाए, डेमोक्रेसी है और यहाँ भी एक डेमोक्रेटिक सरकार है गहलोत साहब की, तो निश्चित रूप से जो गलतियाँ सरकार से हुई हैं उनके विधायकों से हुई है और भगवा फाड़ा गया है, ऐसी ऐसे जो कुकृत किए गए हैं वो उनको निश्चित रूप से सरकार देखेगी, नहीं देखेगी तो हम फिर सड़कों पर होंगे।